नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत उगईपुर विद्यालय में बच्चों द्वारा घर घर झंडा का और हर विद्यालय में झंडा लगाने का आयोजन किए जाने पर विद्यालय में बच्चों द्वारा किया गया कार्यक्रम राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाकर बच्चों ने झंडा लगाया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक मुनीष चंद्र पांडे ने बताया, सरकार द्वारा घर घर झंडा आज़ादी के 75 वर्ष पर लगाने के साथ साथ विद्यालय में कार्यक्रम किया जा रहा और कहा विद्यालय में मिड डे मील के अनुसार 7 दिन बच्चों को मीठा वितरण किया जाएगा। मौके पर अमित सिंह, हृदय लाल, प्रियंका पांडे, अमिता पांडे, सालिनी सिंह, परवीन, विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। सर, आज आपके विद्यालय में झंडा रोहण का आयोजन किया गया है, सरकार की तरफ से जैसे 15 अगस्त से पहले मतलब 9 अगस्त से चालू हो गए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कंपोजिट विद्यालय उगईपुर में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत मुनीष पांडे हूँ। आज के दिन से आज़ादी का अमृत महोत्सव का विशेष पर्व हमारे देश में मनाया जा रहा है। आज़ादी प्राप्त किए हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर आज के दिन से पूरे एक सप्ताह तक पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होना है। हमारा विद्यालय इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सतर्क है। आज बच्चों ने झंडे के साथ झंडा गीत बहुत विधिवत ढंग से किया। बच्चे भी बहुत तत्पर हैं और 15 अगस्त को तैयारी के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं, इस वर्ष का खास सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं और बहुत अच्छे अच्छे ढंग से मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बच्चे भी उसी प्रकार मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चों के बीच में देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और बच्चों में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए जो एक सप्ताह का कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा सरकार का भी निर्णय है कि जो एक सप्ताह से किया जा रहा है। बच्चे इस 7 दिनों में इतना देशभक्ति से उत्प्रोत हो जा रहे हैं कि बहुत आनंदित हो रहा है और विद्यालय भी, परिवार भी इससे बहुत खुश है। सर, जैसे कि देखा गया एक सप्ताह के लिए मतलब मिड डे मील में मतलब बच्चों के लिए मीठा की व्यवस्था हर दिन अलग अलग है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, मुँह जो है वो मीठा किया जाए। 7 दिन तक हमारे बच्चे प्रतिदिन भोजन के साथ कुछ मीठा खाएंगे और आज हमारे विद्यालय में हलवा की व्यवस्था की गई है और बच्चे भी हमारे बहुत खुश हैं और अच्छी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था बढ़िया बनी रहे और बच्चे भी इससे बहुत खुश होंगे और उनको आनंद भी आएगा। धन्यवाद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।